हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं क्लास एट्थ के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है क्लास एट्थ के लिए, और जो हमारा लेसन का नेम है, चैप्टर का नेम है, वो क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन। क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन है एट्थ क्लास के लिए चैप्टर नंबर 3। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की वाईफाई के बारे में, हम बात करे थे, उससे पहले हमने वायरलेस कम्युनिकेशन की इंट्रोडक्शन की थी, और उसके बाद हम बात कल कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में वाईफाई के बारे में। तो आज उसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं कि वाईफाई नेटवर्किंग। आपने वाईफाई नाम तो सुना होगा, फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, वाईफाई फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी फुल फॉर्म वाईफाई की बनती है। तो वाईफाई का हम यूज करते हैं, नेट होता है, वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क होता है, जिस वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन का आप यूज भी करते हैं। किस तरीके से, उसके क्या बेनिफिट है, उसके बारे में बात करते हैं। वाईफाई नेटवर्किंग अराउंड द वर्ल्ड इज क्रिएटिंग हॉटस्पॉट। अब ये सभी को पता है, जब कोई भी वाईफाई नेटवर्किंग होगी, वाईफाई नेटवर्किंग मीन्स वायरलेस, बिना वायर के। ठीक है, अगर कोई भी बिना वायर का कोई भी आपके आसपास कोई नेटवर्क क्रिएट होता है अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, क्रिएटिंग हॉटस्पॉट, तो वो क्या क्रिएट करता है? हॉटस्पॉट क्रिएट करता है। ठीक है ना, हॉटस्पॉट क्यों क्रिएट करता है वो हम बात करेंगे अभी, कि वाईफाई नेटवर्किंग अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये केवल या एक सिटी और एक विलेज की बात नहीं हो रही, यहां पे एक पूरे वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं, कि जो वाईफाई नेटवर्किंग है अराउंड द वर्ल्ड इज क्रिएटिंग हॉटस्पॉट। वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करती है? एक हॉटस्पॉट क्रिएट करती है, हॉटस्पॉट क्रिएट करती है इन द सिटीज वेयर एनीवन विद द लैपटॉप, जहां पे मान लीजिए वो कोई हॉटस्पॉट अब हमारे आसपास है, हमारे एरिया में कोई हॉटस्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए किस सिटी के अंदर आप बैठे हैं, वहां पे एनीवन कोई भी विद ए लैपटॉप, किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप भी बोल लिख सकते हैं, डेस्कटॉप के साथ या मोबाइल के साथ, कैन वायरलेसली बिना वायर के प्लग इनटू द इंटरनेट। प्लग इनटू द मीन्स यहां पे क्या है कि वो प्लग कर सकता है, वो मीन्स जो वाईफाई की रेंज होती है हमारे पास या हॉटस्पॉट की जो रेंज मिलेगी हमें, वो प्लग इनटू द इंटरनेट का हम यूज कर सकते हैं वहां पे। लेकिन वहां पे आपको नेटवर्क तो आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक्सेस पूरी तरह से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, जब कोई भी नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो आपके खुद के आसपास क्या कर देता है? हॉटस्पॉट क्रिएट कर देता है। एनीवन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी लैपटॉप, मोबाइल या डेस्कटॉप, जो अपना आप खुद का वाईफाई डिवाइस जो यूज करता है, कोई भी ऐसा डिवाइस हो सकता है, कैन बी वायरलेसली बिना वायर के प्लग कर सकता है। प्लग मीन्स वहां से कनेक्टिविटी क्रिएट करने के लिए आपको मीन्स वायर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बिना वायर के ही कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकता है विद द इंटरनेट के साथ। क्लियर है? अब बात करते हैं जो हॉटस्पॉट्स आर इन द वेन्यू फ्रॉम द वाईफाई। ये सभी को पता है हॉटस्पॉट वेन्यू होता है किसका? वाईफाई नेटवर्क का। क्यों? अब कोई भी वाईफाई नेटवर्क है, उसने अपना एक एड्रेस छोड़ दिया है वहां पे पूरे रेडियो वेव के थ्रू हमारे एरिया में, वहां पे क्या होगा, उस नेटवर्क का नेम ऑटोमेटिक ही वहां पे शेयर होने लग जाएगा। अगर उसने सिक्योरिटी का यूज करता है तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन नेटवर्क आपका वहां पे जरूर शो होगा। जैसे एरियाज वेयर, जहां पे आप वायरलेसली इंटरनेट इज अवेलेबल, जहां पे वायरलेस इंटरनेट अवेलेबल है वहां पे, फॉर दोज हु हैव इंटरनेट रेडी डिवाइस, मीन्स वहां पे क्या होता है कि जो इंटरनेट से कोई भी डिवाइस है वो रेडी है। कैसे रेडी है? अब मान लीजिए आपने वाईफाई डिवाइस है आपके पास, अगर वो स्विच ऑफ है तो अपना नेटवर्क भी बंद रखेगा वहां पे, और अपना हॉटस्पॉट क्रिएट नहीं कर पाएगा। जैसे आपने वाईफाई ऑन किया, आपका जो
नेटवर्क है उसका नेम हॉटस्पॉट में हर जगह शेयर होने लग जाएगा, कनेक्टिविटी नहीं कर पाएगा लेकिन वो आपका नेम जरूर वहां पे शो होगा हर एक वाईफाई डिवाइस के अंदर। ठीक है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए क्या होता है रेडियो, तब रेडियो होता है जब उसका डिवाइस का नेम वहां पे शो हो जाता है, मेंशन हो जाता है। हॉटस्पॉट आर बीकम अवेलेबल एरियर, जो हॉटस्पॉट होता है ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे हॉटस्पॉट ज्यादातर आपको मिलता है, तो हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स आर अवेलेबल बिकमिंग अवेलेबल इन एवरीवेयर हर जगह, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, कोई होटल्स है, कोई एयरपोर्ट है, या स्कूल्स है, कॉलेज है, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे हॉटस्पॉट आपको अवेलेबल मिलता ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है वाईफाई नेटवर्किंग वाईफाई डिवाइसेस का यूज होता है और वो क्या करते हैं अपनी रेंज छोड़ते हैं जिसे आप हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक कोई भी आसपास है तो कनेक्टिविटी कर सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए रेडी रह सकता है। तो जो यहां पे लिखा है हॉटस्पॉट्स आर बिकमिंग अवेलेबल एवरीवेयर, ये पूछा जा सकता है नेम सम प्लेसेस ऑफ वेयर हॉटस्पॉट इज अवेलेबल, तो आप क्या लिखेंगे रेस्टोरेंट, होटल्स, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज एक्सेट्रा, बहुत सी जगह है जहां पे आपने खुद भी ऐसे महसूस की होगी कहां कहां पे आपने हॉटस्पॉट जहां पे आपको मेंशन होता है वहां पे जगह के नेम लिख सकते हैं। फ्री बेस्ड वायरलेस मीन्स फ्री बेस्ड, यहां पे क्या लिखा है फ्री बेस्ड है, बिना वायर के इंटरनेट एक्सेस कर सकता है वहां पे अगर वो सिक्योरिटी का यूज नहीं करता है। तो आज हमने बात की है यहां पे वाई नेटवर्किंग किस तरीके से हॉटस्पॉट्स के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।